दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग फिर एक अगले सीरीज में पहुंच रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की भी अब वीडियो लगातार आती रहेगी, जिसमें हम एक मैगजीन है घटना चक्र की है, दृष्टि नाम से आती है, इसी का हम लोगों ने आज से स्टार्ट करना शुरू किया है। तो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कौन सी देश के साथ संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पीसीएस में खास करके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, डीप में जाता है, यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं आता है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, और भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, छोटे से मीडियम क्लास के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी को छोड़ के बाकी जितने हैं सब होंगे। हालांकि यूपीएससी में भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से बात करते हैं। तो सबसे इस पहले शुरुआत करते हैं इंडिया और जापान की, कि इंडिया और जापान क्या क्या इसके बीच ट्रेड हुआ, क्या क्या ये हुआ। अगर हम पूरा डिटेल्स में करेंगे तो हो जाएगा मेंस की तैयारी। अगर इसी की उसी में से जो हाइलाइटर है, जैसे मान लीजिएगा वहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या मीटिंग हुई, कौन सी जगह पे हुई है, तो ये डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन आता है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया और जापान मार्च 2023 की है, एग्जैक्ट अब डेट नहीं याद करना है किसी भी कोई भी एग्ज़ाम में कि कौन सी डेट को कब मीटिंग हुई है। ये भी नहीं याद रखना है कि मार्च में हुई थी कब, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे चीज़ है कि आपको पता नहीं, बस खाली करंट अफेयर्स है, क्योंकि डेट आप याद करोगे तो इतने डेट होगा वो आप नहीं कर पाओगे। तो यही है क्वेश्चन, क्या बनता है इंडिया और जापान। तो सबसे पहले है कि जापान हुआ तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये भी बने हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इनका नाम पूछा जाए। तो फुमियो किसीदा नाम है इनका, फुमियो किसीदा। फुमियो किसीदा नाम है इनका, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि रेगुलरली थोड़ा नाम अलग सा है, अभी हाल ही में बनाया भी गया है। तो इसको देख करके अबे शिंजो अबे का अगर नाम लिया लिख दिया जाए तो हो सकता है कई लड़के उसको ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो इसको देखते हुए मैंने इसको किया है। और वहीं पे जापान में क्या हुआ था, अभी G7 की मीटिंग हुई थी जापान में, ठीक है, और ये जो मीटिंग हुई है हिरोशिमा में, हिरोशिमा जापान में है, हिरोशिमा शहर का नाम है, G7 की मीटिंग हुई है वहाँ पे। तो अब ये सोचिए कि मेरा पर्पस था कि इनका नाम को बताया जाए। ऐसे जो जैसे मीटिंग हुआ, बहुत सारे MOU साइन होते हैं जो इकोनॉमिकल होते हैं, तो उसको हमको नहीं करना, कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल अलग हो, वैसी चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करेंगे जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता हो। तो यहाँ है, जैसे मान लीजिए G7 का मीटिंग हुआ है, पूछ देगा कहाँ हुआ है, तो हिरोशिमा में हुआ है। और इसका अगर पूछ देगा कि इसका मेंबर कौन कौन सा है, अगर डिटेल्स में जाता है, तो कनाडा हो गया, USA हो गया, ठीक है, UK हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 G7 ये हो गए, हालांकि पहले G8 था, ठीक है, यानी G8 में कौन था, तो रशिया था पहले, रशिया G8 थे था, लेकिन 2014 में इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी इसको बाहर निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि इसने क्या किया, यूक्रेन का क्रीमिया एक आइलैंड है, उसी पे क्या किया है, रसिया ने कब्जा कर लिया, जिसको देखते हुए इन लोगों ने इसको बाहर कर दिया था, ठीक है। तो अभी G7 है, आप देख लेंगे इसका मेंबर कौन कौन से कंट्री इसके मेंबर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो है, यही तक ये इंडिया और जापान का जो था, इसमें था कि बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे बट हमारे काम का चीज़ नहीं था, वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पीटी में यही है कि बस नाम इनका याद रखिए, G7 की कहाँ मीटिंग हुई है, बहुत पूछेगा तो कौन मेंबर हो सकता है, इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीज़ें आ सकता है। तो अगला हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, अगला रिलेशन कौन सा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हुआ। तो सबसे बड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन है, ठीक है, तो पीएम का नाम है एंथनी, एंथनी अल्बनीज,
एंथनी अल्बनीज नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में इनको भी सेलेक्ट किया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एंथनी अल्बनीज। तो ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। इनका क्या हुआ था, इंडिया में विजिट हुआ था। कहाँ हुआ था पहला विजिट, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में विजिट हुआ था, वहीं पे क्या हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, वहीं पे इन लोगों ने बॉर्डर गवास्कर एक ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया गया था टेस्ट का, तो उसी में इन लोगों ने जा करके मैच देखा था। तो हालांकि ये पूछेगा नहीं कहाँ देखा था क्या हुआ, हो सकता है कि कहाँ देखे होंगे। तो ये अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है जगह का नाम, पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से हुआ है, ऐसे MOU तो बहुत सारे साइन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इनोवेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर के, लेकिन उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट आया है डिकिन यूनिवर्सिटी, डिकिन विश्वविद्यालय। ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय, ये देखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला विश्वविद्यालय है डिकिन, ऑस्ट्रेलिया का है ये, ऑस्ट्रेलिया का है ये, पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहीं पे। अब गांधीनगर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो गिफ्ट सिटी के नाम से, ठीक है। पहला यूनिवर्सिटी इंडिया में, जो फॉरेन जो बात हो रही है कि कई जो विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप हुआ है, तो उनमें से क्या हुआ है कि एक सबसे पहले जो आने का रहा है वो डिकिन यूनिवर्सिटी ही अभी इंडिया में आई है। उसके बाद हो सकता है अभी ऑक्सफोर्ड हो गया या फिर स्टैनफोर्ड हो गया, इस तरीके से यूनिवर्सिटी भी अब धीरे धीरे आएंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पहले नंबर पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली विदेशी कोई विश्वविद्यालय है जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश कर रही है वो है डिकिन यूनिवर्सिटी। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये रहा इससे रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट, ये हो गया इसका करंट अफेयर्स। अब अगले बात करते हैं दूसरे देश का। ऐसे ही कुछ अलग होना चाहिए, अगर कोई ऐसा डील हो जाए जिसमें लगे कि नहीं कुछ यूनिक या अलग है, वही एक करंट अफेयर्स बन जाते हैं। तो अब इंडिया भूटान की बात करते हैं। भूटान, ठीक है, इंडिया भूटान की बात करते हैं। तो यहाँ के नरेश बोला जाता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बोला जाता बल्कि नरेश बोला जाता है। इनका नाम है, नरेश का नाम है जिग्मे शेखर खेसर, नाम भी देखिए, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक, वांगचुक, ठीक है, वहां के नरेश हैं। और इसके देश के साथ क्या हुआ है, हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या हुआ था कि डैम बनाया गया था, इंडिया ने ही बनाया था उसको, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना 720 मेगावाट का बनाया गया था। इंडिया ने क्या किया, फाइनली इसको बना के, काम तो बहुत पहले से चल रहा था, अभी क्या हुआ, बना करके यहाँ की गवर्नमेंट को सौंप दिया कि अब इसका आप संभालिए, अब ये लोग संभालेगा, प्लस इसी से हमारा क्या होगा कि हम बिजली इससे खरीदेंगे, ठीक है, ज़रूरत पड़ा तो हम क्या करेंगे, इससे बिजली खरीदेंगे, बना करके इंडिया ने दे दिया। इसके अलावा 4 और प्रोजेक्ट हैं जो अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, डैम के ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा रेल को भी लिंक जोड़ने की बात हो रही है कि कहाँ पूरी कनेक्टिविटी भूटान के साथ बढ़ाया जाए, तो इस तरीके से है, लेकिन वो प्रस्तावित है, रेल का है, अभी उसको प्रपोजल रखा है, अभी वर्किंग फेज में नहीं है, लेकिन ये फाइनल तैयार हो गया है। इसके अलावा इससे ज़्यादा 1200 1400 1600 1800 मेगावाट की अलग अलग इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट ये फाइनल हो करके फाइनली हैंड ओवर कर दिया गया इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया और भूटान के बीच में, तो इसमें कौन सा हो गया, जल विद्युत परियोजना का जो नाम है वांगदे, इसका नाम याद कर लीजिए, वांगदे, ये परियोजना का नाम है मांगदे छू, मांगदे छू,
मांगदेछु परियोजना का नाम है, इसको आप कर सकते हैं। अब अगले बात करते हैं इंडिया मिस्र की बात करते हैं, इंडिया इजिप्ट करते हैं, इजिप्ट या मिस्र बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2023 में, तो उसी समय इनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। कौन थे वहां का, तो चीफ गेस्ट का क्या नाम है इनके, राष्ट्रपति थे कहाँ के, इजिप्ट के यानी मिस्र के राष्ट्रपति से अब्देल फतेह अल सीसी। अल सीसी देखिए, अब्देल फतेह अल सीसी नाम है वहाँ के राष्ट्रपति का। इनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे रिपब्लिक डे पे। ईयर हम लोग का पूरा हुआ था, इसी के बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। हर साल आप देखेंगे कोई ना कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारे देश का कल्चर क्या है, कौन सी झांकी कहां से क्या होती है। तो इस तरीके से ये इनको बुलाया गया था। हालांकि इसके अलावा एमओयू साइन हुआ लेकिन जो हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आईटी के सेक्टर में, साइबर के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारा इसमें एमओयू हुआ था, बट वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। हमारे लिए यही है कि चीफ गेस्ट कौन आए थे, ठीक है, और उनका नाम क्या है, प्रेसिडेंट का है, बस ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला, वो है इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश की बात करते हैं, तो आपको पीएम पता ही है कौन है, शेख हसीना है। ठीक है, इनका विजिट हुआ था और ये आने के बाद जो अजमेर का चिश्ती जो दरगाह के से सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके दरबार पे गए थे इन लोग चादर चढ़ाने, इनको ये शेख हसीना गए थे वहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एक कुसिनारा नदी है, मैं बताता हूँ, रुकिए। ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है कुसिनारा रिवर, यहाँ से निकलती है इस तरीके से। तो इसका जो पानी हो रहा था यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको निकालने के लिए, कुसिनारा रिवर का कि पानी कैसे आगे जाएगा, इसको रिलेटेड बात हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि कैसे इसको पानी को आगे निकाला जाए। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ से जो रिवर आती है ब्रह्मपुत्रा, यही आगे मेघना बन जाती है, ठीक है, इधर से जमुना आती है, मेघना बन जाती है, तो मेघना में इसको इस तरीके से मिला करके ऐसे हो करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो रिवर से रिलेटेड इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी कि इसको पानी को कैसे किया जाए। एक बराक रिवर है इधर से ही, ये भी इधर से आती है, इसी का उसका जो है रिवर है, उसकी सहायक नदी थी, उसी को निकालने की पानी से रिलेटेड समझौता हुआ था। और एक गैस पाइपलाइन की बात हुई थी, ठीक है, गैस पाइपलाइन की, इंडिया में सिलीगुड़ी है यहाँ से लेके बाबतपुर, एक सिलीगुड़ी जगह है जो इंडिया का है और बाबतीपुर है, पावतीपुर, यहाँ इन दोनों के बीच में पाइपलाइन की बात हुई थी। एक तो हो गया कुसिनारा, नदी हो गया, इससे रिलेटेड बात हुई थी। दूसरा है कि गैस पाइपलाइन, ठीक है, या ऑयल का था पाइपलाइन था, गैस का, तेल का ये पाइपलाइन था, इसको लेकर के बातचीत हुई थी कि कैसे हम अपना इंडिया से लेकर के यहाँ तक पाइपलाइन, जिसका नाम का दिया गया था मैत्री, यानी पूछ सकता है कि मैत्री पाइपलाइन किस देश के साथ समझौता किया गया है, तो बांग्लादेश के साथ किया गया है। और यहाँ सिलीगुड़ी से बाबतीपुर है, इन दोनों जब सिलीगुड़ी
ठीक है, सिलीगुड़ी इंडिया का हो गया, भक्तिपुर बांग्लादेश का हो गया। इन दोनों के बीच में हुआ था कि अगर ये पाइपलाइन है लगभग 112-113 किलोमीटर के आसपास का है, इसे क्या होगा कि डायरेक्ट हम यहाँ से, ठीक है, हम तेल यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू भेजेंगे बांग्लादेश में, तो क्या होगा, बहुत आसानी से कम खर्चे में यहाँ तक इसका ऑयल पहुँच जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रोजेक्ट है जो नाम सुना होगा, इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ, TAPI तापी, यानी तुर्कमेनिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है। ये काफ़ी पहले 2013-14 के आसपास का ये प्रोजेक्ट था कि भाई हमको तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया तक हमको क्या है पहुंचाना है, पाइपलाइन के थ्रू ऑयल को वहां से लाना है। तो इसमें बातचीत हुआ, सब लोगों ने तैयार हुआ, लेकिन फाइनली अभी तक क्या हुआ, ये इतने साल हो गए, लगभग 19 में प्रपोजल था कि फाइनल होकर तैयार हो जाएगा, लेकिन 19 से 24 हो गया, अभी तक नहीं आया। इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल था, इसमें इसने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट से हट गया, अड़ंगा लगा करके इस तरीके से हो गया। ये लगभग था 1214 किलोमीटर के आसपास का था। अगर ये होता तो सोचिए कि सीधे मिडिल ईस्ट से हम लोग पाइपलाइन के थ्रू इंडिया में हम सारा ऑयल लाते, हमको इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचता कि इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत कॉस्ट कम आ जाता। लेकिन ये क्या हुआ कि सफल नहीं हो पाया, इन दोनों के चारों देशों के बीच में कंसेंसस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान है इसमें, तो इसी वजह से इसके जगह से होके आना था, इसीलिए नहीं हो पाया। तो ये रहा कि कैसे गैस पाइपलाइन का कैसे थ्रू होता है। तो करंट अफेयर में इतना ही है, फिर अगले वीडियोज़ की बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।